समाजवादी पार्टी केसरगंज में एक आंदोलनकारी महिला पहलवान को उतारने की तैयारी कर रही है। ये पहलवान भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वालों में शामिल रही है। हालांकि सपा नेतृत्व को सीट पर अभी भाजपा के पत्ते खुलने का इंतजार है। बसपा ने भी केसरगंज से अपना प्रत्याशी अभी तक नहीं दिया है। केसरगंज में चुनाव पांचवें चरण में है। यहां नामांकन की अंतिम तिथि 3 मई है। यहां से चर्चित नाम सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के चलते सीट पर सभी पार्टियों की नजर है। बहरहाल ब्रजभूषण चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं, पर भाजपा उनको टिकट देकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। उन पर देश की जानी मानी महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके चलते ब्रजभूषण को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। इस मामले में उनके खिलाफ केस भी चल रहा है। ब्रजभूषण ने दिल्ली की अदालत में मामले की नए सिरे से जांच कराने के लिए याचिका दायर की थी, जो खारिज हो चुकी है। ऐसे में उन पर यौन उत्पीड़न केस के आरोप तय करने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि इन्हीं सब स्थितियों के चलते भाजपा अब तक इस सीट पर अपने प्रत्याशियों के बारे में निर्णय नहीं ले पाई है। सपा सूत्रों का कहना है कि अगर भाजपा ने ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया तो उनकी पार्टी आंदोलनकारी पहलवान को यहाँ के रण में उतारेगी। इसके लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। सपा का टिकट घोषित होने में देरी का कारण भी यही है कि पहले भाजपा का प्रत्याशी घोषित हो जाए।